हेलो, मेरा नाम वैभव है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम एक 3D रॉकेट फेसबुक पोस्ट पे कैसे डाल सकते हैं, जिसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए शेयर कर सकते हैं। तो ये मेरे फेसबुक अकाउंट है जिस पे मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है। पीछे रॉकेट है और आगे 3D मैसेज है। इसको मैं अपने माउस के जरिए लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कैसे भी हिला के ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। तो आइए इसको देखते हैं, हम इसको फ्री में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे, विंडोज की स्क्रीन पे जाके पेंट 3D टाइप करेंगे। पेंट 3D टाइप करने के बाद यहाँ पे पेंट 3D का सॉफ्टवेयर आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आएगी। न्यू, ओपन, पेस्ट, और अगर आप ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी आएंगी, जो कि ऑलरेडी मॉडल्स किसी और ने बनाए हुए हैं या शेयर किए हुए हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना एक रॉकेट बनाते हैं। जब आप अपना ये पेंट 3 सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आइए देखिए ये क्या होता है। सबसे टॉप पे आपका रहेगा सिलेक्टर पेंट, जिसमें आप अलग अलग तरह की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। 2D शेप्स, 3D शेप्स, आपके स्टिकर्स, टेक्स्ट, इफेक्ट्स, ये अलग अलग तरह की ऑप्शंस हैं। आपके राइट में रहेगा इंस्पेक्टर पेन। जो भी आप यहाँ पे टॉप पेन में ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसका डिटेल व्यू यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 3D शेप सिलेक्ट करता हूँ तो मैं कौन सी 3D शेप्स बनाऊंगा, उसका कौन सा कलर होएगा, अगर मैं स्टिकर डालता हूँ तो उसका कौन सा स्टिकर रहेगा, किस शेप का, वो कैसे कैसे मैं उसको बाहर से भी इम्पोर्ट कर सकता हूँ, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई जाएंगी। और अगर मेरे को ये फाइल सेव करनी है, ये प्रोजेक्ट सेव करना है, या इस प्रोजेक्ट पे कोई एडिट या चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शंस में जाके मैं उनको कर सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको पेंट 3D प्रोजेक्ट की तरह सेव किया हुआ है। तो आप इसको फिर से पेंट 3D प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, दिवाली रॉकेट लिखेंगे और इसको सेव इन पेंट 3D कर देंगे। तो हमारा ये प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जिसमें हम रॉकेट बनाना शुरू करेंगे। तो जैसा आपने फेसबुक पोस्ट में देखा था, इसका एक ऊपर का शेप विच इज कोन, जो कोन है, मिडल शेप जो एक सिलेंडर है, और एक नीचे का शेप इसकी एक पूंछ बनी हुई है। उसके अलावा इसके ऊपर तीन स्टिकर लगे हुए हैं, दो आँख, एक इसकी जीभ और एक हैप्पी दिवाली बना हुआ है। तो इसको अगर मेरे को पेंट 3D मॉडल में बनाना है, मैं पेंट 3D सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेंडर क्लिक करूँगा और इसको मैं रॉकेट की बीच की शेप की तरह खींच दूंगा। अगर मेरे को इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे एडिट कलर को जाके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, रेड, ब्लू, येलो, लेकिन मैं इसको अभी ऑरेंज रखूंगा। जस्ट इन केस जब आप इसको बना रहे हो ये थोड़ा लंबा या मोटा बन जाए, तो इसको आप, ये जो आप 6 बिंदी देख रहे हैं इनसे आप, सॉरी, 8 बिंदी देख रहे हैं, इनके थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मोटा हो गया, ये और बड़ा हो गया, ये यहाँ से छोटा हो गया, ये पतला हो गया। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग के लिए जैसे भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। तो अब हम दूसरी शेप सिलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कोन सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसके उसके ऊपर बैठाने की कोशिश करी। तो ये देखिए जैसे ज़्यादा बड़ा बन गया है। पहले मैं इसका कलर चेंज करूँगा, रेड। उसके बाद ये जो 8 बिंदियाँ हैं इसको स्केलिंग बोलते हैं, तो मैं इसको स्केल करना शुरू करूँगा। तो ये मैंने इसको स्केल किया, राइट लेफ्ट, मेक श्योर ये दोनों व्यू में ठीक बैठता है। 2D व्यू जैसे अभी बैठा हुआ है, और एक 3D व्यू। अगर 3D व्यू में सही नहीं बैठेगा तो भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा जब ये उसको आगे या पीछे से देखेंगे। तो हमको श्योर रहना है कि ये दोनों 2D व्यू में भी, जैसे अभी थोड़ा टेढ़ा है तो ठीक सीधे इसको सीधा कर देते हैं, और 3D व्यू में भी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं। ये 3D बनाने में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा 3D व्यू और नॉर्मल व्यू में देखिएगा। तो अब हम इसके ऊपर स्टिकर लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।